क्या होता अगर बांग्लादेश कभी बना ही ना होता, ईस्ट बंगाल अगर आज भी पाकिस्तान का ही पार्ट होता तो इमेजिन कि भारत तीनों तरफ से हॉस्टाइल नेबर से घिरा होता। भारत को अपनी मोर देन 70% लैंड बॉर्डर को शायद पूरी तरह बंद ही रखना पड़ता। पाकिस्तान को जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रेटेजिकली कितना बड़ा एडवांटेज रहता। पाकिस्तान और उसके क्लोज अलाय चाइना के इतना करीब होने से सिलीगुड़ी कॉरिडोर का क्या हाल होता, जो कि एकमात्र रास्ता है जो भारत को अपने 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्ट करता है। तब भारत क्या नॉर्थ ईस्ट को बचा भी पाता? पाकिस्तान खुद अपने से मोर देन 1500 किलोमीटर दूर इतनी बड़ी टेरिटरी को आखिर हैंडल भी कैसे कर पाता, और पहले से इतने डाइवर्स कॉम्प्लिकेटेड और केओटिक रीजन में तब कंट्रीज के बीच कैसे रिलेशंस होते, ये सोचना काफी इंटरेस्टिंग लगता है। माय नेम इज फेनिल एंड आपने अभी अभी ज्वाइन किया है द ग्राफिक अर्थ। वैसे आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड अबाउट बांग्लादेश। उन्होंने कुछ ही दशकों के टाइम गैप में दो इंडिपेंडेंस की वॉर लड़ी है। पहली वॉर पूरे सब कॉन्टिनेंट के साथ ब्रिटिशर्स के विरुद्ध और दूसरी वॉर अपने बंगाली आइडेंटिटी के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध। दूसरी वॉर कई ज्यादा ब्रूटल रही थी जो नॉर्मल बांग्लादेशी शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। बांग्लादेश भारत के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल की कोस्ट पर बसा एक छोटा सा देश है। बांग्लादेश का टोटल एरिया हमारे ओडिशा राज्य से भी छोटा है, बट बांग्लादेश की पॉपुलेशन ओडिशा से 4 गुना से भी ज्यादा है। इनफैक्ट बांग्लादेश की पॉपुलेशन तो दुनिया के सबसे बड़े देश रशिया की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, जबकि रशिया बांग्लादेश से एरिया वाइज 115 गुना बड़ा है। दिस मेक्स बांग्लादेश वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री ऑन द प्लेनेट। बट विथ ह्यूज वर्क फोर्स बांग्लादेश दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोविंग इकोनॉमीज में से एक है, बट ऐसा हमेशा से नहीं था। आज से 50 साल पहले ये रीजन ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1947 में बने पाकिस्तान का आधा हिस्सा। वैसे इट इज स्टिल स्ट्रेंज कि 1947 में ब्रिटिश राज के पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान को इतने अजीब शेप में बनाया भी कैसे गया। एक ही देश के दो हिस्से जो एक दूसरे से मोर देन 1500 किलोमीटर दूर थे। दिस इज द सिमिलर डिस्टेंस बिटवीन ब्रिटेन एंड ग्रीस। एक्चुअली इंडिपेंडेंस से पहले 7.8 करोड़ पॉपुलेशन के साथ बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश राज का सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रोविंस था। और जैसे कि ब्रिटिश राज का कैपिटल कलकत्ता था तो ब्रिटिशर्स के लिए ये रीजन काफी इंपोर्टेंट भी था। बट बंगाल में बंगाली नेशनलिज्म तेजी से ग्रो हो रहा था। 1905 में ब्रिटिश राज की अथॉरिटी ने बंगाल प्रेसिडेंसी को डिवाइड करने का प्लान बनाया। ये सेपरेशन रिलीजियस लाइन पर हुआ, जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के भागलपुर, बुधवान, पटना, छोटा नागपुर जैसे डिविजन के 33 हिंदू डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट और प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर एक नया प्रोविंस बनाया गया, जबकि चित्तागोंग, ढाका एंड राजशाही डिविजन, मालदा डिस्ट्रिक्ट, आसाम वैली, हिल त्रिपुरा, सैलेट एंड कोमिल्ला को मिलाकर 3.1 करोड़ की पॉपुलेशन वाला दूसरा अलग प्रोविंस ईस्ट बंगाल एंड आसाम को बनाया गया, जहां मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे। बंगाली हिंदूस इस मूव के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि वो इसे ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के रूप में देख रहे थे, जहां ब्रिटिशर्स बंगाली कम्युनिटी में इंटरनल रिलीजियस डिविजन क्रिएट करके बंगाली नेशनलिज्म को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। ऑन दी अदर हैंड ईस्ट बंगाल में मेजोरिटी मुस्लिम्स इस डिविजन के सपोर्ट में थे, क्योंकि उनके मुताबिक मुस्लिम मेजोरिटी ईस्टर्न बंगाल रीजन को बंगाल अथॉरिटी द्वारा नेग्लेक्ट किया जा रहा था। सभी एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज कैपिटल कलकत्ता के आसपास ही कंसंट्रेटेड थी, जिसे ईस्टर्न बंगाल बैकवर्ड रह गया था। उन्हें होप थी कि अगर ईस्ट बंगाल अलग होगा तो वो मुस्लिम इंटरेस्ट को ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। सब कॉन्टिनेंट के इसी मुस्लिम इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए 1906 में पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ईस्ट बंगाल की कैपिटल ढाका में एस्टैब्लिश हुई, जिन्होंने ही आगे जाकर भारत का पार्टीशन करवाया था। अब उस टाइम बंगाल के रिलीजियस डिवीजन ने पूरे इंडिया के नेशनलिस्ट को ट्रिगर किया। इस मूव को वाइडली ब्रिटिशर्स के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के रूप में देखा जाने लगा, जिसे बंगाल के साथ साथ बॉम्बे, पंजाब और पूरे सब कॉन्टिनेंट में पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होने लगी। यहाँ इस तरफ वेस्ट बंगाल प्रोविंस में बंगालीज के हर एक फील्ड में डोमिनेशन के कारण बिहार में भी बंगाल से अलग होने की मांग उठने लगी थी। बंगाल के डिवीजन से ना सिर्फ मेनलैंड बंगाल में बल्कि आसपास के बिहार, ओडिशा और आसाम में भी कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। अब ब्रिटिशर्स के लिए बंगाल को हैंडल करना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। सो 1911-12 में ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश राज की कैपिटल ही कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी और बंगाल का फिर से रीऑर्गेनाइजेशन किया। वेस्ट बंगाल से बिहार एंड ओडिशा प्रोविंस को अलग किया गया, जबकि ईस्ट बंगाल से आसाम प्रोविंस को अलग किया गया। बचे हुए 5 बंगाली डोमिनेटेड डिवीजन को मिलाकर अलग प्रोविंस बंगाल को बनाया गया। लेकिन अब आगे पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग जो ढाका में बनी थी, उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट शुरू की। पाकिस्तान मूवमेंट भी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का ही एक पार्ट थी, बट इसमें उनका एक अलग एजेंडा भी था, जिसमें वो चाहते थे कि इंडिया के इंडिपेंडेंट होते वक्त भारत का रिलीजियस लाइन पर पार्टीशन हो। सब कॉन्टिनेंट के कई मुस्लिम्स द्वारा इस मूवमेंट को सपोर्ट मिलने लगा था। हालांकि बंगाल रीजन हमेशा से ही सेक्युलर आइडियोलॉजी वाला रहा था, बट स्टिल ये पाकिस्तान मूवमेंट बंगाल के कई मुस्लिम्स में भी बहुत पॉपुलर हो रही थी। उस समय
समय ब्रिटिश राज की करीबन 66% पॉपुलेशन हिंदू थी, जबकि 24% मुस्लिम्स और स्मॉल अमाउंट में क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और अदर रिलीजन्स के लोग थे। मुस्लिम्स पूरे इंडिया में फैले हुए थे, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में सिंधु नदी के आसपास और ईस्ट में गंगा नदी के डेल्टा के आसपास मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे। पार्टीशन के लिए कुछ प्रपोजल दिए गए, जिसमें चौधरी रहमत अली का प्रपोजल सबसे कंट्रोवर्शियल था। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान मूवमेंट के ओरिजिनेटर थे और उन्हें ही पाकिस्तान नाम क्रिएट करने का क्रेडिट भी दिया जाता है। उनके प्रपोजल के अनुसार साउथ एशिया में मल्टीपल इस्लामिक नेशंस बनाने का प्लान था, लाइक पाकिस्तान, बंगिस्तान, ओस्मानिस्तान, फरूकिस्तान, हैदरिस्तान, मुइनिस्तान एंड सो ऑन। इवन पूरे इंडिया का नाम बदलकर दीनिया और आसपास के समुद्रों का नाम भी बदलने को कहा गया था। नाउ ये प्रपोजल सुनने में जितना क्रेजी लग रहा है उससे कई ज्यादा इलॉजिकल और बायस्ड भी था। ज्यादातर प्रपोज्ड मुस्लिम नेशंस में मुस्लिम सिर्फ कुछ ही परसेंटेज में थे, बट एनीवेज एज एक्सपेक्टेड ये प्रपोजल फेल हुआ। उस समय एक्चुअली ब्रिटिश इंडिया के सिर्फ 3 प्रोविंसेस, बलोचिस्तान, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी आज के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में मुस्लिम्स प्रीडोमिनेंटली मेजोरिटी में थे। बंगाल प्रोविंस में हिंदूज और मुस्लिम्स ऑलमोस्ट इक्वल ही थे, जबकि पंजाब प्रोविंस में सिग्निफिकेंट अमाउंट में मुस्लिम्स, हिंदूज और सिख थे। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर में लाहौर रिजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया। अब उस समय लगभग ये भी कंफर्म हो ही गया था कि दो रिलीजियसली डाइवर्स प्रोविंसेस बंगाल और पंजाब का रिलीजियस लाइन पर पार्टीशन होगा। नाउ बंगालीज के लिए पार्टीशन का आइडिया थोड़ा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी वेस्ट बंगाल और मुस्लिम मेजोरिटी ईस्ट बंगाल दोनों ही रीजन एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। ईस्ट बंगाल रॉ मटेरियल्स का प्रोड्यूसर था, जबकि इंडस्ट्रीज वेस्ट बंगाल में थी जहां इनका सप्लाई होता था। ईस्ट बंगाल के लीडर्स को यह समझ आ गया था कि पार्टीशन ईस्ट बंगाल के लिए डिजास्टरियस होगा, क्योंकि सभी कोल मिल, जूट मिल और इंडस्ट्रियल प्लांट्स वेस्ट बंगाल में चले जाएंगे। इसी के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट कलकत्ता सिटी और लार्जेस्ट पोर्ट भी ईस्ट बंगाल के हाथ से जाएगा। सब कुछ देखते हुए बंगाल प्रोविंशियल मुस्लिम लीग के लीडर हुसैन शाहिद सुहरावदी ने एक न्यू प्लान प्रपोज किया, एक अलग इंडिपेंडेंट यूनाइटेड बंगाल स्टेट का, जो ना ही पाकिस्तान से ज्वाइन होगा और ना ही इंडिया से। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस प्लान की वैलिडिटी को देखते हुए इसको सपोर्ट किया, लेकिन मोस्ट ऑफ कांग्रेस लीडर्स इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इस न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री में बंगाली हिंदूज माइनॉरिटी में होते, जो उस समय किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं था। सब बंगाल का भी पार्टीशन ऑलमोस्ट कंफर्म हो ही गया था। इस तरफ वेस्टर्न बर्मा के रोहिंग्या मुस्लिम्स नए बन रहे मुस्लिम नेशन पाकिस्तान में इंक्लूड होना चाहते थे। अराकन मुस्लिम लीडर्स ने मोहम्मद अली जिन्ना से डिमांड की थी कि पाकिस्तान बर्मा के मुस्लिम मेजोरिटी मायू रीजन को अपने में एनेक्स करे बर्मा के इंडिपेंडेंट होने से पहले, लेकिन जिन्ना ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो उस समय ब्रिटिश राज की बर्मिस गवर्नमेंट से उलझना नहीं चाहते थे। अगर उस समय कुछ किया गया होता, इस पाकिस्तान खुद रिलीजियस बेस पर बन रहा था, तो आज ये रोहिंग्या इश्यू होता ही नहीं। एनीवेज अब मुस्लिम्स को ये आइडिया आ गया था कि उनको डेफिनेटली इतने अजीब शेप में बन रहे देश को संभालने में प्रॉब्लम होगी। एक ही कंट्री के दो विंग्स, जो करीबन 2000 किलोमीटर के सेक्युलर इंडिया से सेपरेटेड थे, जिनके बीच कोई लैंड कनेक्शन नहीं था। लाहौर से ढाका का शॉर्टेस्ट फ्लाइट डिस्टेंस 1800 प्लस किलोमीटर था, और उस समय ज्यादातर लोग फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वहीं कराची से चित्तागोंग बाई सी जाने के लिए पूरा भारत क्रॉस करना पड़ेगा, जिसको डिफरेंट स्पीड्स के अनुसार 15 दिन से एक महीने तक का समय लग सकता था। सो पाकिस्तान के दो हिस्सों के बीच ट्रांसपोर्टेशन कराना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जिन्ना ने इसके सॉल्यूशन के लिए वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान के बीच रेल कॉरिडोर की डिमांड की एज अ पार्टीशन ट्रीटी। वो चाहते थे कि ये कॉरिडोर सुएस कैनाल जितना वाइड हो, जो भारत के सिग्निफिकेंट मुस्लिम एरियाज रोहिलखंड और पूर्णिया को भी जोड़े थ्रू तेराई रीजन ऑफ नेपाल। इस कॉरिडोर से पाकिस्तान के लिए तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाता, लेकिन भारत के लिए इसका ऑपरेशन नया सिरदर्द बन जाता, इमिग्रेशन, स्मगलिंग एंड सिक्योरिटी इश्यूज के कारण। भारत को ये कॉरिडोर बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सो इस प्रपोजल को कांग्रेस ने कभी नहीं माना। 1947 में पाकिस्तान दो हिस्सों के साथ भारत से अलग हुआ। 6 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ पाकिस्तान उस समय सबसे बड़ा मुस्लिम नेशन बन गया। वेस्ट पाकिस्तान वाले साइड तो इंटेंस कम्युनल वायलेंस से पार्टीशन के बाद जल्द ही हिंदू, सिख और मुस्लिम्स का पॉपुलेशन एक्सचेंज हो गया था, बट ईस्ट पाकिस्तान यानी बंगाल कंपैरेटिवली पीसफुल रीजन था, इसलिए यहाँ वायलेंस कम हुआ और हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन एक्सचेंज भी काफी धीरे धीरे हुआ, जो पार्टीशन के अगले 10 सालों तक चलता रहा। दैट्स व्हाई पार्टीशन के बाद फर्स्ट 1951 सेंसस में ईस्ट पाकिस्तान में 23% हिंदूज थे, जबकि वेस्ट बंगाल में भी 20% मुस्लिम्स थे। अब पाकिस्तान के दो हिस्से एक दूसरे से लगभग हर एक मामले में कम्प्लीटली डिफरेंट थे। जियोग्राफिकली वेस्ट पाकिस्तान का बड़ा एरिया एरिड रेगिस्तानी था, नॉर्थ में माउंटेन्स थे जबकि ईस्टर्न रीजन में इंडस रिवर की फर्टाइल जमीन थी, वहीं ईस्ट पाकिस्तान कम्प्लीटली रिवर डेल्टा था।
भारी बारिश के साथ ये रीजन पूरी तरह ग्रीनरी से भरा था। लिंग्विस्टिकली एंड इथनिकली वेस्ट पाकिस्तान ज्यादा डाइवर्स था। यहाँ पंजाबी, सिंधी, पश्तो और बलोची मेजर लैंग्वेजेस थी, जबकि ईस्ट पाकिस्तान होमोजीनियस था एंड मोर देन 95% ईस्ट पाकिस्तानी इथनिकली बंगालीज ही थे। एरिया वाइज वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा था, लेकिन पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादा थी। पाकिस्तान की 56% पॉपुलेशन ईस्ट में थी, जबकि 44% वेस्ट में। इन दो विंग्स में बस एक रिलीजन इस्लाम के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं था, और सिर्फ रिलीजन कभी भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर नहीं बन पाया है जो कंट्री को यूनाइट रख सके, नहीं तो आज कई मुस्लिम देश एक होते। अब जैसे कि मेजोरिटी पाकिस्तानी ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, तो टेक्निकली देखा जाए तो पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में भी ईस्ट पाकिस्तान का ही डोमिनेशन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था और यही से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। 56% के साथ बंगाली पाकिस्तान की मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज थी, लेकिन सभी बंगाली स्पीकर सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान में ही रहते थे। वेस्ट पाकिस्तान अभी भी लिंग्विस्टिकली काफी डाइवर्स था, तो उन्हें वहाँ एक कनेक्टिंग लैंग्वेज चाहिए थी और वो बनी उर्दू। हाउएवर उर्दू खुद पाकिस्तान की लैंग्वेज नहीं थी, उर्दू एक्चुअली भारत में ओरिजिनेट हुई थी, जिसे प्रीडोमिनेंटली नॉर्दर्न इंडिया के मुस्लिम्स द्वारा बोला जाता था जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान गए थे। 1948 में ही जिन्ना ने उर्दू को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज घोषित किया। बंगाली लैंग्वेज को करेंसी और स्टैम्प से भी रिमूव कर दिया गया। इस मूव को वाइडली बंगाली कल्चर को दबाने के रूप में देखा जाने लगा। बंगाली लैंग्वेज के रिकॉग्निशन के लिए कई प्रोटेस्ट हुई। आखिरकार पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मजबूरन बंगाली को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना पड़ा। हालांकि बंगालीज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन चलता ही रहा। नाउ वेस्ट पाकिस्तानी अपनी कट्टर इस्लामिक आइडियोलॉजी को ईस्ट पाकिस्तान में फैलाना चाहते थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तानी अपने बंगाली लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक को बड़े प्राउडली सेलिब्रेट करते थे। वेस्ट पाकिस्तानी एलाइट्स के लिए बंगाली कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट अनएक्सेप्टेबल थी, क्योंकि उनके मुताबिक बंगाली कल्चर में बहुत ज्यादा हिंदू कल्चरल इन्फ्लुएंस था। ईस्ट पाकिस्तानियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अपने एंसेस्ट्रल बंगाली आइडेंटिटी को ज्यादा इंपोर्टेंस देते थे। इसलिए आज भी बंगालीज अपने इंडिक कल्चर को फॉलो करते हैं, और ज्यादातर बांग्लादेशी महिलाएं आज भी साड़ी ही पहनती है। बंगालीज रेशियली भी वेस्ट पाकिस्तानियों से डिफरेंट थे, इसलिए उनको रेसिज्म का भी सामना करना पड़ता था। वेस्ट पाकिस्तानी एलाइट्स ईस्ट पाकिस्तानी बंगालीज को लोअर क्लास के कमजोर लोगों की तरह ट्रीट करते थे। ऊपर से ब्रिटिशर्स के क्रिएटेड सो कॉल्ड मार्शियन क्लास के कॉन्सेप्ट के कारण मिलिट्री में भी वेस्ट पाकिस्तानियों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती थी। मिलिट्री में पंजाबीज और पश्तूंस के लिए बड़ा रिजर्वेशन था, जिससे बंगालीज पाकिस्तान के सबसे बड़े एथनिक ग्रुप होने के बावजूद पाकिस्तानी आर्मी में बंगाली सोल्जर सिर्फ 5% ही थे। कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी था। पाकिस्तान का कैपिटल और पॉलिटिक्स वेस्ट पाकिस्तान सेंट्रिक थी, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी ईस्ट पाकिस्तान पर डिपेंडेंट थी। पाकिस्तान की 70% एक्सपोर्ट अर्निंग ईस्ट पाकिस्तान में बनते जूट और टी के एक्सपोर्ट से होती थी, और पाकिस्तानी रूलर्स द्वारा ये ईस्ट पाकिस्तान के कमाए पैसों से वेस्ट पाकिस्तान को डेवलप किया जा रहा था। इवन दो ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलेशन थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के कॉमन बजट में से वेस्ट पाकिस्तान पर ज्यादा स्पेंडिंग होती थी। 1950 टू 1970 के बीच बजट में से वेस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान से 2 गुना से भी ज्यादा पैसे मिले, जिससे वेस्ट पाकिस्तान में अर्बन इंडस्ट्रीज डेवलप हुई और ज्यादातर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब वेस्ट पाकिस्तान में होने लगी। वेस्ट पाकिस्तान सोशली डेवलप होता गया, ऑन दी अदर हैंड ईस्ट पाकिस्तान और ज्यादा गरीब होता गया। वेस्ट पाकिस्तानियों द्वारा हो रहे एक्सप्लोइटेशन को रोकने के लिए ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान द्वारा लीड पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग उभर रही थी। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस और मिलिट्री रूल चलता रहा। फाइनली 1970 में पाकिस्तान में पहली बार नेशनल इलेक्शन होने वाला था। इलेक्शन के तुरंत पहले ईस्ट पाकिस्तान में भोला साइक्लोन ने तबाही मचाई, करीबन 3 लाख लोगों की जान गई। इस आपदा की घड़ी में भी वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। उसी साल इलेक्शन हुआ एंड अनडाउटेबली ईस्ट पाकिस्तान में आवामी लीग लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनी। ईस्ट पाकिस्तान की 169 सीट में से 167 सीट्स पर आवामी लीग की जीत हुई। एंड इंटरेस्टिंगली आवामी लीग पूरे पाकिस्तान की भी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन गई, क्योंकि टोटल 300 सीट्स में से आवामी लीग ने मेजोरिटी 167 सीट्स जीती थी। ये बात वेस्ट पाकिस्तानी अलाइट्स, मिलिट्री और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काफी शॉकिंग थी। वेस्ट पाकिस्तान में लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी पीपीपी थी, जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तान में 131 सीट्स में से सिर्फ 86 सीट्स जीती थी। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एब्सोल्यूट मेजोरिटी के कारण आवामी लीग गवर्नमेंट बनाने के लिए पूरी तरह हकदार थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तानी अलाइट्स, पीपीपी के लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो और मिलिट्री लीडर जनरल याह्या खान नहीं चाहते थे कि कोई ईस्ट पाकिस्तानी पार्टी गवर्नमेंट बनाए और उन पर रूल करे। इलेक्शन जीतने के बावजूद जब उनकी बेसिक मांग भी पूरी होती नहीं दिखी, तो 26
मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। तुरंत ही मिलिट्री जनरल याह्या खान के ऑर्डर पर मुजीबुर रहमान और भुट्टो दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। ईस्ट पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस के लिए प्रोटेस्ट शुरू हो गई। मिलिट्री ने ईस्ट पाकिस्तान के सभी ट्रैवल रूट्स ब्लॉक कर दिए और आर्मी को बाय सी एंड एयर ईस्ट पाकिस्तान के तरफ रवाना किया। मिलिट्री ने बंगाली सेपरेटिस्ट और आवामी लीग के रिबेल्स को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, लेकिन ये सिर्फ एक ऑपरेशन से कुछ बहुत ज्यादा ही था। ये था सिस्टमेटिक बांग्लादेशी जिनोसाइड की शुरुआत। मिलिट्री ने सबसे पहले बंगाली इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट किया, स्पेसिफिकली ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स को। फिर हिंदू माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया एंड देन पूरी बंगाली कम्युनिटी को टारगेट किया गया। बंगाली पुलिस, आर्मी ऑफिसर्स, आवामी लीग के मेंबर्स और कॉमन बंगाली सिटीजंस ने भी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हथियार उठाए और रिबेलियन फोर्स मुक्ति बहिनी की रचना हुई। अगले 9 महीने तक बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चली, जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री और मिलिट्री सपोर्टर्स ने सिस्टमेटिकली 3 से 30 लाख बंगाली सिविलियंस की जान ली और 2 से 4 लाख बंगाली लेडीज और गर्ल्स के साथ सेक्सुअल असोल्ट भी हुआ। एग्जैक्ट नंबर अभी तक पता नहीं चल पाया। वायलेंस से बचने के लिए करीबन 1 करोड़ बंगाली रेफ्यूजीज भारत में एंटर हुए। भारत के लिए भी अब प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। भारत के लिए मुक्ति बहिनी और बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करने के कई रीजंस थे। पहले तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान के टूटने से भारत को बहुत बड़ा फायदा होता। एज एनी टिपिकल एनिमी कंट्री, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ISI भी नागा इंसर्जेंट्स और नॉर्थ ईस्टर्न रिबेल्स को सपोर्ट कर रही थी, तो वो भी रुक जाता। भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सिक्योरिटी बढ़ा पाता और नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी रास्ते खुलते। एक और रीजन था इमोशनल अटैचमेंट। भारत का पहले से ही ईस्ट बंगाल के साथ कल्चरल कनेक्शन रहा है। भारत में भी सिग्निफिकेंट बंगाली कम्युनिटी रहती है जो बंगालीज का जिनोसाइड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। पाकिस्तान को उस समय USA, चाइना जैसे कई देशों का सपोर्ट था, लेकिन फिर भी फाइनली सोवियत यूनियन और भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के सपोर्ट से मुक्ति बहिनी ने 16 दिसंबर 1971 को लिबरेशन वॉर जीत ली। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर था और बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ। वैसे बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने के कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण पॉलिटिकल ही था। अगर 1970 में इलेक्शन के बाद मिलिट्री और अपोजिशन पार्टी ने आवामी लीग की गवर्नमेंट बनने दी होती तो शायद उस समय बांग्लादेश अलग नहीं होता। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान कब तक वेस्ट के साथ रहता ये भी कहना मुश्किल था, क्योंकि दोनों के बीच पॉलिटिकल क्राइसिस के अलावा बहुत सारे डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स थे। बंगालीज में बहुत पहले ही सेपरेशन की भावना जग गई थी, तो कभी ना कभी तो बांग्लादेश अलग हो ही जाता। लेकिन फिर भी इमेजिन कि अगर आज तक ईस्ट पाकिस्तान अलग ना हुआ होता तो यहाँ कैसी सिचुएशन होती। तब यूनाइटेड पाकिस्तान 40 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन के साथ भारत और चाइना के बाद तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होता। इसी के साथ पाकिस्तान सबसे बड़ा मुस्लिम मेजोरिटी नेशन भी होता। फिलहाल सबसे ज्यादा मुस्लिम्स इंडोनेशिया में रहते हैं, लेकिन तब पाकिस्तान में दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम्स रहते। इकोनॉमी की बात करें तो करीबन $800 बिलियन के साथ पाकिस्तान 21st largest इकोनॉमी होता। यूनाइटेड पाकिस्तान जियोग्राफिकली दुनिया की मोस्ट इंटरेस्टिंग कंट्री होता। वैसे आज भी कई देश है जिनके हिस्से मेनलैंड से अलग है, जिन्हें एनक्लेव एंड एक्सक्लेव कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा सेमी एनक्लेव है अमेरिकन स्टेट अलास्का, जो कि मेनलैंड US से सेपरेटेड है और सिर्फ कनाडा से बॉर्डर शेयर करता है। उसी तरह अजरबैजान का नाख्चीवान रीजन, जो अजरबैजान से सेपरेटेड है और आर्मेनिया, ईरान एंड तुर्की से बॉर्डर शेयर करता है। रशिया का कालिनिनग्राद ओब्लास्ट मेनलैंड रशिया से दूर बाल्टिक सी से सटे लिथुएनिया और पोलैंड के बीच है। स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन का भी सेमी एक्सक्लेव है गाजा स्ट्रिप, जो मेडिटेरेनियन सी और इजिप्ट से बॉर्डर शेयर करता है और पैलेस्टीनियन मेनलैंड वेस्ट बैंक से इजराइल द्वारा सेपरेटेड है। अफ्रीका में अंगोला देश का कैबिंदा प्रोविंस मेनलैंड अंगोला से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो द्वारा सेपरेटेड है और यही है कॉन्गो का इकलौता पोर्ट जो उसे ओशन से कनेक्ट करता है। और भी कई छोटे एग्जाम्पल्स है, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में सबसे एक्सट्रीम होता। तब ईस्ट पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला सेमी एक्सक्लेव होता। वैसे 1970s में तो ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन वेस्ट से ज्यादा थी, लेकिन बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के बाद बांग्लादेश ने एजुकेशन और वुमन एम्पावरमेंट पर फोकस करके पॉपुलेशन कंट्रोल की, जबकि पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल कम ही रहा और बर्थ रेट ज्यादा ही रहा, जिससे 1990s में पाकिस्तान की जनसंख्या बांग्लादेश से ज्यादा हो गई। अगर ये दोनों एक ही होते तो आज यूनाइटेड पाकिस्तान की 57% पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान में रह रही होती, जबकि 43% ईस्ट पाकिस्तान में। हालांकि फिर भी 43% के साथ बंगालीज ही पाकिस्तान के सबसे बड़े एथनिक ग्रुप होते। इसके बाद पंजाबी, पश्तून और सिंधी आते। यूनाइटेड पाकिस्तान में 94% पॉपुलेशन मुस्लिम होती, जबकि 4.7% हिंदू एंड 1.3% अदर रिलीजन के लोग।
लोग रहते। पाकिस्तान की 75% हिंदू पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में ही रहती। यूनाइटेड पाकिस्तान वन ऑफ द बिगेस्ट रेफ्यूजी होस्टिंग कंट्री होता। अपने अनस्टेबल नेबर्स के कारण दोनों ही विंग्स को लाखों रेफ्यूजीज का सामना करना पड़ता। अफगान रेफ्यूजीज इन वेस्ट पाकिस्तान और रोहिंग्या रेफ्यूजीज इन ईस्ट पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान में बहुत गड़बड़ वाला माहौल रहता। अब एक्चुअली ऐसे में भारत और पाकिस्तान दोनों की ही बहुत सारी स्ट्रेटेजिक वीकनेसेस रहती। पाकिस्तान को अपने दो भागों के बहुत सारे डिफरेंसेस के कारण उन्हें मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होती, जबकि भारत के लिए भी सिक्योरिटी रिस्क हाई होता। तो ऐसे में हो सकता था कि शायद दोनों देशों के लीडर्स कोई कॉम्प्रोमाइज निकाल कर अपने रिलेशन सुधारने की कोशिश करते, जिसे दोनों ही देशों को फायदा हो सके। लेकिन ऐसा होने की प्रोबेबिलिटीज बहुत कम ही होती, क्योंकि भारत और पाकिस्तान ऐसी ही सिचुएशन में इंडिपेंडेंस के बाद 20 साल तक रहे थे, और तब दोनों को एक दूसरे की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई एंड उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहा। तो ये सिचुएशन शायद ऐसी ही रहती और दोनों ही देश एक दूसरे को अनस्टेबल करने की पूरी कोशिश करते। एज एनी टिपिकल एनिमी नेबरिंग कंट्री, पाकिस्तान भी भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रिबेल्स और नक्सलिस्ट को सपोर्ट करता, जबकि भारत भी शायद ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करता, जिससे ईस्ट पाकिस्तान और उसका सराउंडिंग रीजन दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल रीजन में से एक होता। फिलहाल भारत साउथ एशिया का डोमिनेंट पावर है, लेकिन अगर यूनाइटेड पाकिस्तान होता तो शायद इस रीजन में भारत का प्रभुत्व इतना नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान भी सिग्निफिकेंटली बड़ा देश होता। पाकिस्तान डेफिनेटली श्रीलंका से अपने रिलेशंस स्ट्रॉन्ग रखता, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस के कारण भारत शायद कभी भी पाकिस्तान के वेस्ट और ईस्ट पार्ट को जोड़ने के लिए लैंड रूट प्रोवाइड नहीं करता। तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ एयर और सी रूट ही बचता। और जैसे कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही कई बार एक दूसरे के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया है, तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को पूरी तरह इंडिया को अवॉइड कर लंबे रूट से ईस्ट पाकिस्तान जाना पड़ता, जिसके लिए उन्हें बीच में एक स्टॉप की जरूरत पड़ती रिफ्यूलिंग के लिए, और वो बनता श्रीलंका। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब श्रीलंका ने भारत के विरुद्ध जाकर पाकिस्तान की मदद की थी। श्रीलंका को एक्चुअली ये डर था कि अगर भारत पाकिस्तान को तोड़ने में सफल हो गया तो फिर वो शायद तमिल सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करके श्रीलंका का भी वही हाल करेगा। एनीवेज, अब विथ ग्रेट सी एक्सेस पाकिस्तान की नेवी भी पावरफुल होती, जिसे भारत के लिए इंडियन ओशन में कॉम्पिटिशन बढ़ जाता। तब भारत के फॉरेन रिलेशंस भी शायद आज के मुकाबले बिल्कुल अलग होते। भारत और सोवियत यूनियन यानी रशिया के रिलेशंस भी 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान ही स्ट्रांग हुए। जरूरत के टाइम मिले कंटिन्यूस रशियन सपोर्ट ने इंडियंस का दिल जीत लिया। तो अगर वो 1971 की वॉर हुई ही ना होती तो रशिया को भारत की हेल्प करने का मौका नहीं मिलता, और शायद दोनों देशों के बीच इतने स्ट्रांग रिलेशन नहीं होते। अमेरिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 1970s में भारत और सोवियत यूनियन के रिलेशंस काफी अच्छे थे। भारत अपना ज्यादातर वेपन इंपोर्ट भी यूएसएसआर से ही करता था। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान और चाइना के साथ अलायंस बनाया था। तो उन्होंने 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पाकिस्तान का फुल सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी भारत ने पाकिस्तान को हराया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ। अगर वो वॉर ना हुई होती तो भी आगे जाकर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और चाइना की ग्रोथ से अमेरिका और चाइना के रिलेशंस बिगड़ते और वो दोनों राइवल बन ही जाते। अमेरिका का पाकिस्तान में इंटरेस्ट तो होता अफगानिस्तान इशू के लिए, लेकिन अमेरिका के लिए एशिया में चाइनीज इन्फ्लुएंस को रोकना पहली प्रायोरिटी बन जाता, जिसके लिए उसे भारत की जरूरत पड़ती। अब भारत, पाकिस्तान और चाइना इन तीनों देशों के एक दूसरे के साथ रिलेशंस में ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि तब भी इन देशों के इंटरेस्ट तो सेम ही रहते। भारत और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट तो तब भी होता और दोनों एशियन राइवल्स भी होते। फर्क सिर्फ इतना होता कि तब पाकिस्तान ज्यादा पावरफुल होता, जिससे भारत को इन दो पावरफुल नेबर्स से निपटने के लिए स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाना पड़ता। तब भारत प्रोबेबली वेस्टर्न वर्ल्ड, यूएस और नाटो के ज्यादा करीब होता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन फॉर इंडिया इन दिस सिचुएशन, चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर। बांग्लादेश और नेपाल के बीच ये 60 किलोमीटर लॉन्ग और 22 किलोमीटर वाइड रीजन भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है। यहीं से भारत अपने 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के 4.6 करोड़ से ज्यादा इंडियंस से कनेक्ट हो पाता है। फिलहाल बांग्लादेश एक फ्रेंडली कंट्री है और हमें नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने के लिए डिफरेंट रूट्स भी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे भारत को अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर की इतनी चिंता नहीं है। लेकिन अगर बांग्लादेश आज भी ईस्ट पाकिस्तानी होता तो भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज बन जाती। पाकिस्तान सिंगल हैंडली तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अटैक करने की कभी नहीं सोचता, क्योंकि भारत यूनाइटेड पाकिस्तान से भी डिफेंस में कई गुना स्ट्रांग रहता। हालांकि पाकिस्तान किसी फॉरेन पावर की हेल्प से यहां अटैक करने की सोच सकता था, और वो पावर थी चाइना। भारत का चाइना से भी डिस्प्यूट था, तो शायद पाकिस्तान और चाइना नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट्स की मदद से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अटैक करके नॉर्थ ईस्ट से हमारा कनेक्शन काट सकते थे। हालांकि ये जितना
सोचने में आसान लगता है उतना प्रैक्टिकली आसान नहीं है। भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सिक्योरिटी के लिए शुरुआत से ही बहुत सीरियस है और ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड है। सिलीगुड़ी सिटी से नियरेस्ट चाइनीज बॉर्डर डिस्टेंस 100 किलोमीटर से भी कम है, लेकिन चाइना को यहाँ पहुँचने के लिए हिमालय पार करना पड़ेगा। डिफिकल्ट हिमालयन टेरेन से कंटिन्यूस सोल्जर्स और आर्म्ड व्हीकल्स का सप्लाई करना चाइना के लिए बहुत मुश्किल होगा। अल्दो चाइना अपने बॉर्डर रीजन चुंबी वैली में लगातार रोड एंड एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो करता ही, जिसे भारत के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती। पाकिस्तान और चाइना नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने में तब भी सफल होते जब नॉर्थ ईस्ट के लोग भी उनका साथ देते, जो कि कभी नहीं होता। लेकिन फिर भी बैकअप के लिए भारत को म्यांमार से अपने रिलेशन स्ट्रांग रखने पड़ते, ताकि ऐसी सिचुएशन में भारत म्यांमार के रास्ते नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच सके। आउट ऑफ ऑल द जियोपॉलिटिकल स्टफ, अगर बांग्लादेश आज भी पाकिस्तान का ही पार्ट होता तो वो डेफिनेटली दुनिया का वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन होता, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट होने के बाद ही डेवलप हुआ है। आज बांग्लादेश वन ऑफ द बिगेस्ट एशियन इकोनॉमी है जो तेजी से ग्रो हो रही है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान दिन प्रतिदिन एक फेल्ड स्टेट बनता जा रहा है। करंटली पाकिस्तान लगभग सभी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में उसी की कॉलोनी बांग्लादेश से बहुत पीछे जा चुका है। पाकिस्तानी लीडर सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान को संभाल नहीं पाए तो वी कैन इमेजिन कि अगर ईस्ट पाकिस्तान भी उनका हिस्सा होता तो विथ मच मोर कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट इस रीजन में सिचुएशन कितनी वर्स्ट रहती। वैसे आप कमेंट में बताइए आप बांग्लादेश के बारे में क्या सोचते हैं। आप वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।